अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, बाहर जा रहे हैं कार की सर्विसिंग कराने, क्योंकि इंशाअल्लाह ऐसा हम प्लान कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं बहरीन। बहरीन के लिए ट्रिप कर रहे हैं 23rd of September को, यहाँ पे नेशनल है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए बहरीन। तो हम लोग सोचे थे 23rd of September को निकलने से पहले हम MVPI करा लें कार की, तो लाइक फहस बोलते हैं उसको शायद से अरबिक में, या फहस समथिंग लाइक दैट, तो वो करा लें। तो इसलिए हमको पता रहे कि गाड़ी का इंस्पेक्शन ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो लाइक सब कुछ सही है कि नहीं, कुछ ख़राबी तो नहीं है या समथिंग कुछ ऐसा। तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं सर्विस सेंटर, सो चलते हैं। हाय हाय मैडम, मैडम आपको बात नहीं करनी है कुछ? हाय मैडम, एक्चुअल ट्रैवलर तुम्हारी इशू है। सुबह से वेट करती है कि अब्बा आएंगे तो अब्बा इसको घुमाएंगे। बाय। चाय आ गई है, इसको हम होल्डर में डाल देते हैं वरना गिर जाएगी। तो इसमें क्या, एक फलाफल है और एक शर्मा है। ओके, हाफ हाफ ले लेते हैं। थैंक यू। परीक्षा सो गई है पीछे तो मैं छोड़ के आ गया। And now gone completely. What an heavy running at that. She's just released a new album. And this is the second single of that album. You know, you got to get in here. लास्ट टाइम भी जब याद है हम लोग जब अपनी अल्टीमा लेके गए थे, तुम थी या नहीं थी? थी मैं। नहीं, लेकिन जब हम लोग MVPI करने गए थे थी ना मैं। MVPI करने गए थे तो तुम थी? नहीं, दूसरी दफा भी कराया था ना आपने। हाँ, दो दफा कराया था, एक दफा मैं थी, तभी तो आपने बताया था कि ये वाला स्टिकर जो होता है वो। ओके, उस टाइम पे भी ना मैंने यही किया था, लोग गाड़ी साफ सुफ करा के जाते हैं। हाँ। नहीं, जैसी है वैसी लेके चलो। तो अगर कुछ रहेगा, रिजेक्शन रहेगी, तो फिर हमें उसको 2 वीक्स का टाइम मिलता है सही करने के लिए, सही करके फिर वापस उनके पास लेके जाओ। सो अभी पहले देखते हैं, पास हो जाएगी तो फिर हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर हमारी वीडियो आएगी कार के ऊपर कि हमने कार कैसे खरीदी और क्या प्रोसेस था और क्या। सो 11 मिनट्स टू गो, 18 किलोमीटर्स और हम लोग अब जुबेर में जाने वाले। जुबेर पहुँच गए आई थिंक ना। जुबेर, अरे सॉरी यार, दमाम। हम लोग गलत रास्ते से वापस जा रहे हैं। नहीं, हम लोग जा रहे हैं दमाम। वैसे इस रूट पे हम लोग आमिर भाई को बहुत मिस कर रहे हैं, वो हमारे नेबर थे जो जिनके साथ हम लोग अक्सर निकला करते थे, और उनकी कमेंट्री बहुत कमाल की होती थी। वो कार में होते थे तो सिर्फ इंसान हंसता ही रहता था पूरे रास्ते, इतना अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। और हम सच में उनके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम बहुत याद करते हैं। आमिर भाई इज अ फैमिली फॉर अस। हाँ, इज अ फैमिली फॉर अस, बहुत याद आती है। लाइक उनकी फैमिली भी थी पूरी और हम भी साथ में, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने जुबेर में। हमारी बचपन की एरिया,
ओके okay. जहाँ रहते थे जहाँ खेलते थे ओके okay. और जहाँ घूमने जाते थे ओके okay, इंशाल्लाह शायद सिर्फ दिसंबर वगैरह में आएगा। अच्छा उस टाइम पे बताएंगे कि हम कहाँ रहते थे जब आप लोग छोटे थे तब। जी वैसे सफ़ू और सफ़ू के दोस्त सलमान वो लोग बचपन से यहीं रहे हुए हैं सऊदी अरब में, उनकी लाइक स्टडी एंड ऑन यहीं पे हुई है, तो एक अच्छा वक्त गुजरा है दोनों का साथ में यहाँ पे। खोबर में थे ना आप लोग तब? मैं इंडियन स्कूल में था, सलमान पाकिस्तानी स्कूल में था। हाँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इन दोनों के बीच में कि ये इंडिया और पाकिस्तानी है, इंडियन और पाकिस्तानी लाइक फ्रेंड्स हो ऐसा लाइक बहुत रेयर होता है, वो भी बेस्ट बडीज हैं दोनों, तो अच्छी चीज़ होगी अगर वो हम कैप्चर कर पाए फ़ोन पे तो एक मोमेंट आप दोनों का वापस से, क्योंकि अब तो आप दोनों अलग अलग बहुत दूर हो, लाइक वो न्यूयॉर्क में है और ये यहाँ पे। सीधे जाना है ना? हाँ सीधा जाना है। गलत हाथों में जीपीएस। अरे यार मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं इतनी देर से पकड़ के रखी हूँ ऐसे, आपको मेरा थैंक यू बोलना चाहिए, देखो तो मेरा हाथ एकदम पंप अप हो गया है। वैसे तो मर्ज भी देती तभी मैं कहा रुकू। अच्छा सॉरी सब फो एडी में यूज कर रहे थे, मैंने सोचा मैं उतर जाऊँ नीचे, पेट्रोल पंप पे ट्रेलर्स खड़े हैं और अरीशू भी उठ गई थी तो मुझे पीछे आना था। आई एम कमिंग बेबी। जो काउंटर है ना आगे 3-4 लाइंस है, तो जो काउंटर्स है वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, रेसिडेंट परमिट, इकामा और इस तुम्हारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और फिर उनकी जो फीस होगी और वो पे करके फिर आगे की लाइन पे जाना पड़ेगा, तो ये अभी फर्स्ट स्टेप है। ओके फिर आगे इसका इंस्पेक्शन होगा? आगे इंस्पेक्शन होगा हाँ, उनको भी फिर ये इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। 3 इयर्स तक नहीं कराना होता न्यू कार्स के लिए? और जो लाइक वो होती हैं चलती रहती हैं उनका हर ईयर? हर मतलब हर साल कराना पड़ेगा? हाँ एनुअली रहता है ना, सालाना। ओके बहुत रश है, लाइन तो लंबी है। अब हम आगे निकल गए और ये कार्स अपनी अपनी लाइन में खड़ी है, 1-2 और ये थर्ड है, फोर्थ लाइन भी सबको हमें पता नहीं, ये खाली कार्स ही है, बड़ी वैकेंसी नहीं उधर। अच्छा एसयूवी वगैरह के लिए पर सामने तो खड़ी है एसयूवी इसी लाइन में। ये हमको मिला है इंस्पेक्शन के बाद और इसमें जो भी रहेगा वो हमको उसके बाद से स्टिकर मिलेगा, तो चलो ले जाओ सबको फिर इंशाल्लाह अच्छा होगा सब। कार में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है शॉक एब्जॉर्वर का, तो सबको को पेपर पे वही मिला है रीचेक कराने का और वो बता रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा। सो अदीशा
बेबी मम्मा के पास रहते हैं ना, तुम भाग भाग के जा रही थी ऐसी जगह पे अब्बा के पास, अगर गिर जाती तो, चोट लग जाती तो? हाँ वापस से फिर से मैं लाइन में खड़े होना। नहीं अब ज़्यादा चेकिंग नहीं कराना है, खाली वो चीज़ जो चीज़ है अभी पूरी चीज़ चेक नहीं कराना, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है ना वो वाली चीज बस उसी का इंस्पेक्शन होगा। स्पीकर दे देंगे ठीक है। हाँ लेकिन ये है खुआरी की, अभी हम लोग को वापस से लाइन में लगना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, क्लीन योर हैंड एंड इशू। आप मुझे वेट वेट टिश्यू दो, वेट टिश्यू दो। खुद ही पूछ रही है, इतनी बड़ी बच्ची हो गई माशाल्लाह। क्लीन बेबी क्लीन। रिशु सबकी गोद में चली जाती है। रिशु ऐसा नहीं करते बेबी, सबके पास नहीं जाते, सिर्फ मम्मा एंड पापा के पास जाते हैं ठीक है, स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाते, गलत बात है, समझ रही हो बात? उसने 300 रियाल बोला था शॉप। 450 मतलब ये लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि अगर आपकी कार में ज्यादा कुछ काम नहीं है ना, जैसे हम लोग की सब क्लियर था तो उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे खराब है, तो ऊपर वो लोग बता रहे थे कि ऑयल लीक है। हाँ। तो इसी वजह से अपना क्या नाम है उन्होंने फिर वो दिया ना अपना क्या नाम है कि री इंस्पेक्शन। उधर गए हम लोग तो वो लोग सब कह रहे हैं कि चेंज करना है, ये करना है, वो करना है, तो अब जब हटोगा तो खुद ही वो रेट कम करते जाएंगे और बस वो थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करेंगे वो लोग, और अगर जरूरत है रिप्लेसमेंट की तो रिप्लेस करेंगे। वैसे वो लोग 450 ना, हाँ 450 उन्होंने, नहीं आप ना कभी भी ना जो वो लोग रेट कहे ना तो उस रेट पे जाके नहीं करना चाहिए, आप 3-4 जगह पता कर लो, ज्यादा अगर बड़ा मसला नहीं है, 2 हफ्ते का टाइम रहता है तो 2 हफ्ते आप बाहर भी अपने किसी मैकेनिक को दिखा के आ सकते हो। देखा जाए तो 3000 रुपीज लिया है इंडिया के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल की चार्जेस से, वरना वो 10,000 के अबाउट बता रहा था ना, 10,000 इंडियन रुपीज, तो 3000 है ना, 150 मतलब 3000 प्लस समथिंग, हाँ कुछ ऐसे ही उतना, लेकिन बहुत डिफरेंस हो गया। वही मैं कह रही हूँ कि बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में, कि लाइक कभी सवार आपको पता भी नहीं होता है कि कितना उसका कॉस्ट है, उससे डबल आपसे ले लिया जाता है, तो बहुत फर्क पड़ता है बार्गेनिंग से। रात बहुत हो गई है और हमें लग गई है बहुत ज़ोर से भूख, इस वजह से हम आए कतीफ हॉस्पिटैलिटी डिनर करने, और जल्दी से कुछ ऑर्डर करते हैं और खाते हैं फिर घर निकलते हैं। और ये है मेन्यू का स्कैन बोर्ड, जिसे स्कैन करके मेन्यू का पता चल जाएगा सारी, और पीछे बटन है ऑर्डर देने के लिए, प्रेस करनी है बस। अल्हम्दुलिल्लाह डिनर तो कर लिया हमने कतीफ में, अब हम निकलेंगे जुबेल के लिए। और अभी अभी हमें एक गुड न्यूज़ पता चली है कि अरीशु का वीज़ा आ गया है बहरीन के लिए, पर अभी मेरा पेंडिंग है, तो इंशाल्लाह अगर वक्त पे आ जाएगा तो 23 को हम बहरीन में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।
एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए जब मैं डेट डालूँ सो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़